हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्यागुरु से और आज हम सर्कल्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए बी कितना है? जब आपको पीटी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स, पीए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर्स, तो क्या आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कर पाएंगे अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी सर्कल्स की जो टेंजेंट और सीकेंट से रिलेटेड है। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक वर्ड है टेंजेंट और दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड है सीकेंट। देखिए जरा ध्यान से, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैंने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। वो टेंजेंट कौन सी है? वो टेंजेंट है पीटी। पीटी इज द टेंजेंट। टेंजेंट क्या करती है? टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती है। तो फिर यहां पे हमने पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टी पे सर्कल को टच कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुन लीजिए कि जब एक टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पॉइंट टी को जब आप ओ से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट टी को जब आप ओ से ज्वाइन करें तो आपके पास ओटी क्या आ जाएगा? ओटी आपके पास आ जाएगा रेडियस। ओटी रेडियस है और ये ओटी जो आपके पास रेडियस आएगा, आपको नजर आएगा कि ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। दैट मींस राइट एंगल होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है। दैट मींस 90 डिग्री होता है। एनीवे, यहां पे हमारा दूसरा टर्म क्या था? सेकेंड। सेकेंड क्या है? ए बी को मैं क्या कह रहा हूं? कॉर्ड कह रहा हूं। कॉर्ड क्या है? वो लाइन जो सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस पे आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ए और बी, इन दोनों को टच करती हुई जो लाइन होती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन यहां पे मैंने वर्ड कौन सा यूज किया है? सेकेंड। सेकेंड क्या है? एक एक्सटेंडेड कॉर्ड है। सेकेंड क्या है? एक्सटेंडेड कॉर्ड। कहने का मतलब ए बी ये दो पॉइंट्स किस पे थे? ये दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर थे। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो फिर ए बी क्या है? ए बी एक कॉर्ड है। ए बी क्या है? कॉर्ड है। लेकिन जब मैं इस कॉर्ड को आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो फिर ये पी ए बी क्या बन जाएगा? ये पी ए बी, देखिए लंबा पी ए बी, ये बन जाएगा आपका सेकेंड। तो सेकेंड क्या है? एक्सटेंडेड कॉर्ड है। कॉर्ड सिर्फ सर्कल के अंदर ही खत्म हो जाती है, सर्कल से बाहर नहीं आती। ए बी कॉर्ड को जब मैं सर्कल से बाहर ले आया, ए बी कॉर्ड को जब हमने सर्कल से बाहर ले लिया तो फिर पी ए बी क्या बन गया? पी ए बी हमारा सेकेंड बन गया। तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी टी और जब एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं पी ए बी, तो फिर याद रखिएगा ये रिलेशनशिप की पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पीटी का स्क्वायर दैट मीन्स टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी ए, सेकेंड का जो एक्सटर्नल पोर्शन है पी ए और पूरी सेकेंड की लेंथ पी बी, उनके प्रोडक्ट के बराबर। यहां पे हमें पीटी कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन देखिए, पीटी दिया हुआ है हमें 6। तो 6 का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, ये पीटी कितना है स्टूडेंट्स? 6 है। तो पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पीए। पीए क्या गिवन है? पीए गिवन है हमें 4 इज इक्वल टू 4 इंटू पी बी। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 36, 6 का स्क्वायर क्या आया? 36 आया। 36 is equal to 4 PB. तो यहां से हमने क्या निकाल लिया कि 9 आ गई हमारी PB की वैल्यू। अब ये 9 क्या है? PB की
वैल्यू है। टोटल पीबी कितना लंबा है? 9 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था फाइंड आउट कीजिएगा एबी। तो एबी क्या होगा? पीबी में से जब मैं पीए माइनस कर दूं, पीबी टोटल कितना है? 9 सेंटीमीटर्स है, पीए कितना है? 4 सेंटीमीटर्स है, तो एबी कितना आ जाएगा? एबी जाहिर सी बात आ जाएगा 5। तो देखिए पीए 4 सेंटीमीटर्स, एबी 5 सेंटीमीटर्स, पूरा क्या बन गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पीबी, जो कि है 9 सेंटीमीटर।